जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर वन ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा हर बार की तरह इस बार भी आपको बताने वाली हूँ कि कैसा रहने वाला है सभी 12 राशि के जातकों का मार्च का महीना। कुंभ राशि वाले जातकों का कैसा रहने वाला है मार्च का महीना ये जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कैसे होते हैं कुंभ राशि वाले जातक। दरअसल जलवाहक द्वारा दर्शाया गया अंतिम वायु चिन्ह कुंभ राशि का है। कुंभ राशि वाले जातक मानवतावादी प्रवृत्ति के होते हैं, जैसा कि इनका राशि चिन्ह भी कुंभ है। इसका तात्पर्य क्या है, इनका व्यक्तित्व काफी गंभीर और गहरा होता है। ये बहुत प्रगतिशील होते हैं, परोपकार की भावना इनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होती है। वे मजबूत इरादों वाले होते हैं और अपनी राह खुद बनाते हैं, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये महीना ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करियर के लिहाज से, तो करियर के लिहाज से कुंभ राशि के जातकों का ये महीना अनुकूल जाने वाला है। आपके दशम भाव का स्वामी राहु के साथ आपके चौथे घर में स्थित होगा, जिसका तात्पर्य है इस समय के दौरान आप गतिशील होंगे और अपने पेशेवर जीवन में नए तरीके और नई तकनीकों को लॉन्च करने के लिए दूर का और हटकर सोचने वाले हैं। प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट एजेंट और मूल निवासी जो अपने परिवार के व्यवसाय में लिप्त हैं, वो इस अवधि के दौरान सफलता हासिल करेंगे। आदित्य उद्योग और चिकित्सा सेवाओं से संबंधित लोगों के लिए भी ये समय जो है वो बहुत परफेक्ट है। आपके छठे भाव का स्वामी चंद्रमा आपके काम में बहुमुखी दृष्टिकोण लाएगा और सभी संकेतों के माध्यम से पारगमन करेगा। जो लोग नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि के दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी गलती एक बड़ी दुर्घटना को भी जो है खड़ा कर सकती है, क्योंकि आपको इस महीने के दौरान अपने सहयोगियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे शिक्षा के लिहाज से, तो छात्रों के लिए ये महीना थोड़ा सा बोझ भरा होने वाला है। आपका पंचम भाव का स्वामी बुध मार्च के शुरुआती दिनों में आपके 12वें घर में गोचर करेगा और 12वें घर के स्वामी शनि और दूसरे घर के स्वामी बृहस्पति के साथ युति में होगा। आप इस दौरान थोड़ा सा ध्यान भंग आपका हो सकता है, आप ऐसा महसूस करेंगे और आपके परिवार वाले आप पर पढ़ाई का थोड़ा सा दबाव भी ज़्यादा डालेंगे। ये सप्ताह विशेष रूप से अकादमिक छात्रों के लिए कठिन होगा, क्योंकि वो विषयों और सीखने को थोड़ा सा बोरियत भरा महसूस करेंगे। जिन लोगों का विदेश जा करके पढ़ाई करने का मन है, उनका उधर की तरफ झुकाव है, उनके लिए ये जो समय है आवेदन करने का है, हो सकता है कि आप इस टाइम पर आवेदन करें तो आपको जो रिजल्ट मिले वो पॉजिटिव मिले। बात कर लेते हैं आपकी फैमिली लाइफ की, यानी कि पारिवारिक जीवन। कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने के दौरान उनका पारिवारिक जीवन कुछ खास अच्छा नहीं रहने वाला। इस दौरान आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना ही है। आपके दूसरे घर का स्वामी बृहस्पति आपके स्वामी के साथ 12वें घर में होगा, जिनका अर्थ क्या है, आप अपने परिवार के साथ यात्रा की योजना बनाएंगे, किसी लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। आपके चौथे घर का स्वामी शुक्र मार्च के पहले दिन पहले जो 3 हफ्ते हैं आपके पहले घर में होंगे और बहुत अच्छा योग भी बनाएंगे, आपको खुशी भी देंगे। अपने घर के सदस्यों के साथ आपके जो समय हैं वो खुशी भरे और यादगार होंगे। आपके चौथे घर पर 2 क्रूर ग्रहों मंगल और राहु का कब्जा है, जिसका अर्थ है इस दौरान आपका अपने घर के सदस्यों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव, घर में कुछ अनचाही बातें हो सकती हैं, थोड़ी सी अशांति हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा संयम और धैर्य बना के रखना है। बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ की। प्यार के लिहाज से कुछ जो है कुंभ राशि के जो जातक हैं वो इस महीने मिले जुले परिणाम लेकर आने वाले हैं। आपके 5वें घर का स्वामी बुध मार्च की शुरुआत के दौरान आपके 12वें घर में स्थित होगा, जो दर्शाता है कि आप इस समय के दौरान जो आपका साथी है उसके साथ आपका थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, आप दोनों के बीच में अलगाव की स्थिति बन सकती है। ये सब कुछ आपकी यात्राओं की वजह से भी हो सकता है। बाकी महीने के दौरान बुध आपके पहले घर में तैनात होगा और आपके रिश्ते में खुशियां लेकर आने वाला है। जो लोग अपने रिश्ते में जटिलता या फिर किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो वक्त है वो बहुत अच्छा होगा। आपके साथी के साथ आपकी जो समझ है वो समय रहते धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी और आप दोनों के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएंगे और आप दोनों का जो प्यार है, जो बॉन्डिंग है, वो फिर से डेवलप हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन की। मार्च का महीना कुंभ राशि के तहत पैदा हुए लोगों के लिए एक शानदार समय है। आपके 11वें और दूसरे घर का स्वामी बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, शनि के साथ होगा और इसका तात्पर्य क्या है, इस दौरान आपका खर्च आपकी आमदनी से अधिक होगा। आपके 9वें घर का स्वामी पहले घर में होगा, जो मार्च के महीने के दौरान आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ भी देने वाला है। आप इस महीने में संपत्ति से लाभ प्राप्त करेंगे या संपत्ति खरीद सकते हैं। आपके अपेक्षित लाभ से समय तो लगेगा, आपको अपनी मेहनत के फल तो प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। विदेशी पेशेवर के साथ काम करने वाले जो भी व्यापारी हैं उनको भी एक अच्छा इस महीने अपॉर्चुनिटी मिल सकती है
और उनके भी जो बिजनेस है उसमें थोड़ा सा विस्तार हो सकता है, तो आप वहाँ पर भी निवेश कर सकते हैं और उस निवेश से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए महीना अनुकूल होगा, क्योंकि आपको अच्छे ग्राहक भी मिलेंगे और अंत में आपका जो बिजनेस है वो भी आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। अब हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं, तो हेल्थ के लिहाज से आपका ये महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातक मार्च के इस महीने में विशेष रूप से महीने की शुरुआत के दौरान कमजोर स्वभाव के साथ होंगे। आपका लग्न स्वामी 12वें घर में 8वें घर के स्वामी बुध के साथ होगा, जो आपको स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा नाजुक बना देगा। आपके तांत्रिक तंत्र से संबंधित कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं और आप बेहद थका हुआ भी महसूस कर सकते हैं। आपके शरीर में विशेष रूप से आपके पैरों और पैरों में जो है लगातार दर्द भी बना रह सकता है, पैरों के नीचे के हिस्सों में भी, इसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, तो खुद का थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना होगा आपको। इसके अलावा अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसका समय समय पर उपचार भी करा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो है आपको कोई परेशानी, खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए आपको योग का सहारा लेना होगा। और सबसे ज़्यादा जो आपके लिए बेस्ट है वो क्या है कि प्रकृति की गोद में बैठने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, मतलब ये कि अर्ली मॉर्निंग उठिए, ग्रीनरी के साथ रहिए, बाहर जाइए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, और अगर आप प्रकृति के करीब रहेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल फिट रहेगी। एक्सरसाइज रूटीन के साथ आपको करना भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब बात करेंगे उपाय की, यानी कि उपाय के तौर पे क्या करना है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, अपने बगीचे में या पार्क में एक पेड़ लगाइए, बुधवार के दिन भगवान गणेश को बूंदी के लड्डू चढ़ाइए, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं और मेरे साथ मेरी बहुत सारी सहयोगी भी आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आती रहती हैं, तो आपको उनका नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा और आपको समय समय पर आपसे जुड़ी हुई आपकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। मैं प्रभु से आप सभी के लिए यही कामना करती हूँ। जय माता दी। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।